दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? इसे तो आप सब लोग जानते होंगे, बुर्ज खलीफा। और दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है जिसे बनाने में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा लागत लगा है अभी तक? उसका नाम है अबराज अल फैद। ये वो बिल्डिंग है जिसको बनाने में अभी तक सबसे ज्यादा पैसा लगा है। और क्या गैज, आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग कौन सी है जो दिखने में सबसे ज्यादा सुंदर है, जिस बिल्डिंग की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं? तो गैज, आज के इस वीडियो में मैं दुनिया भर के सबसे ब्यूटीफुल व बेहतरीन बिल्डिंग के बारे में बात करने वाला हूं। और इसी 10 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग हमारे ही देश इंडिया मुंबई में मौजूद है, और वो बिल्डिंग अपनी आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है। और गैज, ये वो टॉप 10 बिल्डिंग्स है जिसको आपको अपने लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 10, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क, जो यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के लिस्ट में छठे स्थान पे है। इस बिल्डिंग को फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को डिजाइन किया है, उन्होंने ही इस बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है, जिनका नाम है डेविड चीट्स। ये बिल्डिंग दूर से दिखने में एकदम नॉर्मल दिखता है, जबकि आप इनके पास में जाएंगे तब इस बिल्डिंग का डिटेलिंग देखकर आपको लगेगा कि ये नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि इस बिल्डिंग की डिजाइन और इन दोनों चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गैज, अगर आप इस बिल्डिंग में घूमने के लिए जाते हैं तब आपको $41 का टिकट खरीदना होता है। इसको अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो अराउंड 3000 के आसपास में होता है। इस बिल्डिंग में एंट्री करने पर आपको दीवार पे बहुत बड़े बड़े स्क्रीन दिखाए गए हैं, जिस पर इस बिल्डिंग के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। और इस बिल्डिंग को देखने के लिए डेली कितने लोग आते हैं, महीनों में कितने लोग आते हैं और साल में कितने लोग आते हैं, इन सारी कंक्लूजन को स्क्रीन पे दिखाया जाता है। जब आप इस बिल्डिंग के लिफ्ट से ऊपर जाते हो तब आपको लिफ्ट से ही न्यूयॉर्क का 360 व्यू देखने को मिलेगा, और इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से आप न्यूयॉर्क का पूरा सिटी देख सकते हो। इस बिल्डिंग में टोटल 71 एलिवेटर्स का यूज किया गया है, जो कि दिन रात हमेशा ऊपर नीचे चलती रहती है। इस एलिवेटर की स्पीड 23 माइल्स की होती है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए 45,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन एफिल टावर के 6 गुना के बराबर हो जाता है। इस बिल्डिंग की चोटी 408 फीट लंबी है और जिसका वजन 758 टन का है। इस चोटी पे ऐसी लाइट लगाई गई है जिनको आप 50 मील दूर से देख सकते हैं। नंबर 9, शंघाई टावर चाइना। ये टावर शंघाई सिटी में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस टावर को टर्निंग टावर से मिलता जुलता बनाया गया है। वो बिल्डिंग घूमी हुई थी और ये बिल्डिंग भी घूमी हुई है, लेकिन उस बिल्डिंग में क्यूब्स थे और इस बिल्डिंग में उन्हें गोल कर दिया गया है। इस बिल्डिंग को बहुत ही एडवांस तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग में जो ग्लास पैनल्स लगे हैं, इन्हें कम से कम 3 बार चेंज करना पड़ा, क्योंकि नॉर्मल ग्लास जब इस बिल्डिंग के पैनल में लगाया गया तो वो ग्लास सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया गया, जिस कारण अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया। फिर उसके बाद इन ग्लास को इस बिल्डिंग में 3 लेयर्स में लगाए गए। फिर इसके बाद बिल्डिंग में चाहे कितनी भी धूप लगे, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है एकदम से नॉर्मल ही रहता है, और बिल्डिंग में ग्लास पैनल्स लगे होने के कारण बिल्डिंग की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शंघाई टावर में एक साथ में 16,000 से अधिक आदमी आ सकते हैं। इस बिल्डिंग की पार्किंग में आप कम से कम 1800 फोर व्हीलर व्हीकल को पार्क कर सकते हो एक साथ में। इस बिल्डिंग के डिजाइन को देखने से ऐसा लगता है जैसा पेपर को फोल्ड कर दिया गया हो। ये बिल्डिंग शंघाई सिटी की लग्जोरियस बिल्डिंग्स में से एक है। इस बिल्डिंग में टोटल 128 फ्लोर हैं, जिसमें 2 फ्लोर अंडरग्राउंड है और 258 होटल्स रूम है। इस बिल्डिंग में लोग टिकट खरीद के शंघाई सिटी का ऊपर से नजारा देखना पसंद करते हैं, और बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर में जाके आसमान के बुलंदियों को देखते हुए इंजॉय करते हैं। इस बिल्डिंग में हाई स्पीड लिफ्ट को लगाया गया है, जिनका स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड है। नंबर 8, सिटी ऑफ फाइनेंस सेंटर चाइना। ये बिल्डिंग चाइना के टेंजिंग सिटी में है। ये बिल्डिंग दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट 1739 फीट यानी कि 530 मीटर की है। इस बिल्डिंग की डिजाइनिंग को डायमंड की शेप में बनाया गया है। इस बिल्डिंग में भी बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के ग्लास को यूज किया गया है। इस बिल्डिंग की पोर्ट्स पर बहुत ही अमेजिंग LED लाइट्स को लगाया गया है, जो कि नाइट में बहुत ही ज्यादा बहुत ही सुंदर दिखने को लगता है। इस बिल्डिंग में भी ग्लास पैनल्स को मेन
बिल्डिंग से थोड़ा दूर हटके लगाया गया है, जिससे कि लोग बिल्डिंग के नीचे का व्यू अच्छे से देख पाए। इस बिल्डिंग को 2013 में बनाना चालू किया गया था, जबकि 2019 में जाके कंप्लीट हो गई। ये बिल्डिंग नीचे से एकदम से स्क्वायर में है, जबकि ऊपर जाते जाते एक गोलाकार शेप में बन जाता है। और इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा कीमती मार्बल्स को यूज किया गया है। इस बिल्डिंग में टोटल 303 फ्लोर्स हैं। नंबर 7 मेराडिका 118 बिल्डिंग मलेशिया। ये बिल्डिंग मलेशिया के कुआला लंपुर सिटी में है और ये बिल्डिंग दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली है, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चालू है, वो बनकर कंप्लीट हुआ नहीं है। इस बिल्डिंग का थोड़ा सा काम बाकी है, जो कि इसी साल या अगले साल जाकर कंप्लीट हो जाने वाला है। इस बिल्डिंग की आर्किटेक्चर और डिजाइन को देखने के बाद बिल्डिंग का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है देखने के लिए। और इस बिल्डिंग को भी डायमंड की शेप में बनाया गया है, जो कि आज के तारीख में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न बिल्डिंग माने जाते हैं उनको। आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखा होगा कि उनकी लिफ्ट का जो काम होता है, लिफ्ट का जो कार्य होता है, वो अंदर साइड में होता है और वहां से आप बिल्डिंग के बाहर का व्यू बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। जबकि इस बिल्डिंग में लिफ्ट को बाहर के साइड में बनाया गया है, जहां से आप सिटी का पूरा व्यू देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। और गैस, किसी भी बड़े बिल्डिंग के लिफ्ट में जाके बाहर का नजारा देखना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और शानदार बना देता है दृश्य को। और गैस, इस बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के ग्लास को लगाया गया है, जिस पर आप खड़े भी हो जाएंगे तब भी इस ग्लास को कुछ नहीं होने वाला। इस बिल्डिंग को मिक्स चॉइस के हिसाब से बनाया गया है, जिसके अंदर होटल्स, रूम्स, फ्लैट, मॉल, शॉपिंग सेंटर और साथ में थिएटर भी होंगे। बिल्डिंग और ग्लास के बीच एक छोटा सा गैप को रखा गया है, जिससे कि आप क्लियरली बाहर के नजारा को देख पाए। इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा खूबसूरती नाइट के समय में दिखती है। रात में जब इस बिल्डिंग की लाइट को ऑन किया जाता है, तब आप दूर से इस बिल्डिंग को क्रिस्टल क्लियर देख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बिल्डिंग को डायमंड की शेप में बनाया गया है, तो इस वजह से रात में देखने से ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। इस बिल्डिंग की हाइट 644 मीटर है और इसमें 118 फ्लोर्स हैं, जबकि 5 फ्लोर को अंडरग्राउंड में बनाया गया है। नंबर 6 वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर चाइना। ये बिल्डिंग चाइना के शंघाई सिटी में है। इस बिल्डिंग को अब तक मैंने जितना भी बिल्डिंग बताया है उसमें से सबसे अलग तरीके से इनको बनाया गया है। इस बिल्डिंग को देखने से ऐसा लगता है जैसा किसी ओपनर को खड़ा कर दिया हो, ओपनर इन द सेंस कोका कोला के बोतल को खोलने वाले ओपनर, ये बिल्डिंग उसी की तरह लगती है। इस बिल्डिंग को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग के जो ऊपर में ओपनर के जैसा दिख रहा है, अगर उसको नहीं बनाया होता तो शायद ये बिल्डिंग गिर जाता, क्योंकि हवा को पास करने के लिए इस बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया था। और इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाओगे तो वहां पर इसको गैलरी के जैसा बनाया गया है, जहां से आप शंघाई सिटी को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। और इस गैलरीज में ग्लास पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कम हवा चलने पर हटा दिया जाता है और तेज हवा चलने पर उसको फिर से ढक दिया जाता है। इस बिल्डिंग में होटल, म्यूजियम, ऑफिस और ऑब्जर्वेशन, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। इस बिल्डिंग के 79 फ्लोर से 94 फ्लोर तक होटल्स हैं, जो होटल बहुत ही ज्यादा लग्जरी होटल होते हैं। और ये होटल दुनिया के थर्ड सबसे ऊंचाई पर बनने वाले होटल्स में से एक है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे लिफ्ट को यूज किया गया है, जिसमें से एक लिफ्ट सुपर फास्ट लिफ्ट है। इस बिल्डिंग में काम कर रहे स्टाफ को अगर जल्दी में ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाना होता है, तो वो इस लिफ्ट को यूज कर लेता है। इस बिल्डिंग की हाइट 1614 फीट है, जबकि इसमें 101 फ्लोर है, जिसमें से 3 फ्लोर अंडरग्राउंड में बनाया गया है। इस बिल्डिंग को बनने में 1.4 US$1 बिलियन लगे। ये बिल्डिंग दिन से ज्यादा रात को देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि रात के समय में जैसे ही इसका लाइट ऑन होता है तो सबकी नजरें खींच लेता है, क्योंकि इस बिल्डिंग की लाइटिंग बहुत ही अमेजिंग तरीके का है। नंबर 5 पेट्रोनस टावर मलेशिया। गाइस, ये टावर मलेशिया के कुआला लंपुर सिटी में है। इस टावर में टोटल 2 बिल्डिंग्स है, जिसकी की सेम हाइट है, सेम शेप में बनाया हुआ है। इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक छोटा सा ब्रिज भी है, जो कि इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा जाती है। इस बिल्डिंग में बहुत ही कॉस्टली मार्बल्स लगाए गए हैं। इस बिल्डिंग के हर एक कार्य को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। इस बिल्डिंग को खूबसूरती देखने के लिए बहुत दूर दूर से और विदेश से भी लोग आते हैं। ये बिल्डिंग 1998 से 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से रही। इसके बाद टाइबे 101 बिल्डिंग ने इस बिल्डिंग को हाइट में छोटा कर दिया। इस बिल्डिंग की हाइट 1483 फीट है, जबकि इसमें 88 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग के 5 फ्लोर को अंडरग्राउंड में बनाया गया है। और आज भी ये बिल्डिंग मलेशिया के सबसे खूबसूरत बिल्डिंग के लिस्ट में आते हैं।
नंबर 4 टर्निंग टोर्सो स्वीडन। ये बिल्डिंग स्वीडन के मोलमो सिटी में है, जो कि दुनिया की एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से घूमी हुई है। ये बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक 90 डिग्री घूमी हुई है। इस बिल्डिंग को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग साइड से झुकी हुई भी है। इस बिल्डिंग के नीचे से ऊपर तक एल्यूमिनियम की पाइप को लगाया गया है। इस पोल्स को लगाने से बिल्डिंग को सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही साथ इस बिल्डिंग के खूबसूरती को 4 चांद लगा जाता है। इस पोल को दूर से देखने से ऐसा लगता है जैसे नीचे से ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना दिया गया हो, लेकिन गैज ये चढ़ने वाली सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट एक डिजाइन के लिए लगाया गया है। इस बिल्डिंग में टोटल 9 क्यूब्स हैं, जो कि अपने अर्से से 90 डिग्री तक झुकी हुई है। ऊपर से इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगेगा जैसे किसी गोले को चपटा कर दिया गया हो। इस बिल्डिंग को 2001 से बनाना चालू किया गया था, जबकि 2005 में जाके काम कम्प्लीट हो गया था। इस बिल्डिंग में टोटल 45 फ्लोर्स है। इस बिल्डिंग में टोटल 54 फ्लोर्स है, जबकि 47 अपार्टमेंट्स है। 2005 में इस बिल्डिंग को फुल डेकोरेस और स्काई क्रिप का अवार्ड दिया गया। ये पूरी बिल्डिंग कमर्शियल ऑफिस और रेंटेड अपार्टमेंट के लिए है, और वो बिल्डिंग की तरह इनका भी नाइट का व्यू बहुत ही शानदार होता है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $220 मिलियन लगे। नंबर 3 लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली इंडिया। दोस्तों इतने सारे बिल्डिंग में यही एकमात्र ऐसा इंडिया का बिल्डिंग है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। वैसे हमारे इंडिया में इसके अलावा ताजमहल भी एक ऐसा बिल्डिंग है जो कि वर्ल्ड फेमस है। लोटस टेम्पल की आर्किटेक्चर और डिजाइन को देखते हुए हमने इस बिल्डिंग को इंडिया की बिल्डिंग को 4 नंबर पे रखा। ये बिल्डिंग अपनी खूबसूरती और डिजाइन के चलते दुनिया भर के बहुत सारे बिल्डिंग्स के अवार्ड्स को जीत चुका है। इस बिल्डिंग को 1986 में बनाकर कंप्लीट कर दिया गया था, जबकि 1986 में ही पब्लिक के लिए इसे खोल दिया गया था। ये टेम्पल सभी के लिए है, जहाँ पर किसी भी धर्म से कोई भी आदमी इसे देखने के लिए आ सकता है। इस टेम्पल में अंदर जाने के लिए टोटल 9 गेट है, जिसमें से आप किसी भी गेट से अंदर जाके देख सकते हैं। CNN के रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग को 2000 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया नेट पे और सबसे ज्यादा इन्हें देखा गया। इस टेम्पल को 1988 में आउटडोर लाइटनिंग डिजाइनिंग के लिए इसे अवार्ड दिया गया था, जबकि 1994 में बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड दिया गया और 2001 में इस टेंपल को गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज किया गया। नंबर 2 बुर्ज अल अरब जुमेरह दुबई। गाइज दुबई में बने इस बिल्डिंग को शायद ही कोई होगा जो इस बिल्डिंग के बारे में नहीं जानता होगा। दुनिया भर में यही एक ऐसा होटल है जो कि लग्जूरियस में सबसे टॉप में है। गाइज आप लोग 2-स्टार 3-स्टार होटल के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 7-स्टार होटल है। इस होटल को 7-स्टार की रेटिंग दी गई है। दुबई का ये होटल अपनी लग्जूरियस चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, और अगर इस होटल की बिल्डिंग की बात करें तो इस होटल की बिल्डिंग सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इस होटल के टॉप फ्लोर पे एक हेलीपैड भी है, जहां पर हेलीकॉप्टर भी लैंड कराई जाती है। इस होटल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितना लग्जरी हो। अगर आप इस होटल में एक रात बिताना चाहते हैं और सबसे लो प्राइस में सबसे लो कॉस्ट में रूम लेना चाहते हैं तो उसका कीमत 1,70,000 रुपए का है, जिसमें आपको दुनिया की वो चीजें मिलेंगी जिसमें कि दुनिया की किसी भी लग्जरी होटल में नहीं मिलेगी। और इस होटल की सबसे हाई रेंज की रूम की बात करें तो 1,50,000 रुपए आपको एक नाइट के देने होंगे। इस होटल में टोटल 9 रेस्टोरेंट है, जिसमें आप किसी भी कंट्री का कोई भी थाली कोई भी डिश ऑर्डर करके आप ले सकते हैं और खा सकते हैं। इस होटल में एंट्री करने के तुरंत बाद आपको गोल्ड स्टेच्यू देखने को मिलेंगे, और साथ में इस होटल की मार्बल दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मार्बल में से एक है, जो इस बिल्डिंग के फर्श में और दीवार में लगा हुआ है। इस होटल के सबसे हाई प्राइस के रूम में स्टेट वॉल्यूम मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी मार्बल है, और इस होटल के लिफ्ट में भी गोल्ड को लगाया गया है। वैसे गैज इस होटल के रूम के और इस होटल के संसाधनों के बारे में जितना बताऊं उतना कम ही रहेगा, क्योंकि इस बिल्डिंग की एक्सपेंसिव लुक को देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये बिल्डिंग कितना एक्सपेंसिव होगा। नंबर 1 मरियाना बे सैंड्स सिंगापुर। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है, और इस बिल्डिंग को देखने से आपको भी लग रहा होगा कि भाई क्या बिल्डिंग है यार। इस बिल्डिंग की लुक और डिजाइन को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। इस बिल्डिंग में टोटल 3 टावर बनाए गए हैं, और तीनों टावर के ऊपर में एक शिप को रखा गया है। इस शिप में एक पार्क भी है और साथ में एक बेहतरीन स्विमिंग पूल भी है, जो कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पार्क और दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल माना जाता है।
इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 2501 रूम है। इस बिल्डिंग की भी खूबसूरती देखने के लिए आपको नाइट को ही देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा खूबसूरत इसका लाइटिंग इनका बना देता है। और इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो भी है। इस बिल्डिंग में आपको नाइट पार्टी, क्लब हाउस सब चीज देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग का होटल भी एकदम से लग्जरियस होटल में से एक है, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी है। इस कैसीनो में बहुत सारे लोग एक साथ में खेलने के लिए आते हैं। तो गाइस, ये थी दुनिया की 10 सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग, जिसे आपको अपनी लाइफ में एक बार कम से कम जरूर देखना चाहिए किसी भी एक को। वैसे गाइस, दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में से आपको सबसे ज्यादा बेहतर या सबसे ज्यादा यूं कहूं तो खूबसूरत बिल्डिंग कौन सा लगा, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी इस बिल्डिंग के बारे में पता चल सके। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।